और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर का चुनाव हो गया है। आम आदमी पार्टी के MS धीर को चुन लिया गया है। दिल्ली साहब, दिल्ली बैठ जाइए। सदन के सदस्यों के गिनती के अनुसार प्रस्ताव के पक्ष में 37 मत पड़े, विरोध में 28 पड़े। हाँ 32 हो गए, क्या फर्क पड़ता है उससे? ठीक है, 32 हो गए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है चौहान साहब, 5 मिनट के अध्यक्ष है, काय को पंगा ले रहे हो? लिसन मी जम्बर, व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर काइंडली लिसन मी। इसकी एक गरिमा है, एक अध्यक्ष का चयन हो रहा है और नियमों के अनुसार हो रहा है। द प्रॉपर प्रोसीजर शुड बी फॉलोड इन टोटो, दैट आई से। आप इसको मजाक बनने का अवसर मत दीजिए। आप कितनी वोट पड़ी है, आप डिक्लेयर करिए कि कौन व्यक्ति ये कैरी हुआ नहीं हुआ, कितने पक्ष में कितने विपक्ष में, कौन आपका निर्वाचित हुआ, और फिर सदन के नेता और विपक्ष के नेता उनको सीट तक ले। होगी कार्रवाई, सब होगी। आप बैठ तो जाइए। श्री मनिंदर सिंह धीर जी के पक्ष में 37, नहीं नहीं आप तालियां मत बजाइए। और जगदीश मुखी जी के पक्ष में 32 वोट पड़े। श्री मनिंदर सिंह धीर अध्यक्ष निर्वाचित हुए, चूंकि पहला प्रस्ताव पास हो गया, इसलिए नियम 8 के उपनियम 4 के अनुसार अन्य प्रस्ताव को लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः श्री मनिंदर सिंह धीर 5वीं तो मोहन सिंह का पंगा ले रहे हो तो गया यार, कोई बात नहीं, छोड़ो। निर्वाचित घोषित श्री मनिंदर सिंह धीर 5वीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से उनको बधाई देता हूं। अब मैं मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी से अनुरोध करूंगा कि वे नव निर्वाचित अध्यक्ष को उनके आसन पर बिठाएं और अपनी सीट पर वापस जाकर उन्हें बधाई दें। मैं भी आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने 3 दिन मुझे सहयोग किया। जय हिंद, जय भारत। आइए, ठीक है।